शायद शिप के कैप्टन ने समंदर के बीच मौजूद एक बोट वाले की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शिप को समंदर में निकले हुए करीब 3 घंटे हुए थे। इसी टाइम कैप्टन को सिग्नल मिला एक छोटी बोट का, जिसे मदद की जरूरत थी। कैप्टन को लगा यदि इतने विशाल समुंदर में वे उसकी मदद नहीं करेंगे, हो सकता हो उनके अलावा दूसरा मदद के लिए कोई न पहुंचे। यही सोचकर कैप्टन उस मिनी बोट के पास पहुंचे, मदद करके वापस अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। निकलने के 24 घंटे बाद ही शिप के क्रू मेंबर को देखने को मिला, सामने वाला हिस्सा पानी में डूब रहा है। जैसा कि आज तूफान था, इसलिए कैप्टन को लगा शायद ये तूफान की वजह से हो रहा है, इससे शिप पर ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर उनका सोचना गलत साबित हुआ। अगले पल शिप समंदर में डूब गया। यह समय था 12 फरवरी सन 1983 का। शिप का नाम था एसएस मरीन इलेक्ट्रिक। The sinking of the Marine Electric will resume on Tuesday. Third survivor of the sinking, Eugene Kelly, will tell. The Marine Electric was supposed to have come here to North Shipco. The Marine Electric went down at a total cost of 30. In the Marine Electric's case, though, the decision to put off the inspection was not. Which 3 are alive and 24 deceased. There are still 3 survivors at this time. Marine Electric bulk carrier on February 12, 1983. यह वक्त है 10 फरवरी सन 1983 का। देश अमेरिका के पूर्व साइड में लोकेटेड, वह भी समंदर के किनारे मौजूद है नॉरफोक सिटी। उसके बंदरगाह पर बल्क कैरियर शिप एसएस मरीन इलेक्ट्रिक मौजूद है, जिस पर लोड किया जा रहा है 24,800 टन जितना कोयला, मीन्स 2,48,000,000 कोयला, जो नॉरफोक से मीलों दूरी तय करके जाएगी अमेरिका के ही शहर समरसेट। शिप को डुबाने में किसी की साजिश थी या था कोई दूसरा रीजन, ये जानने से पहले हमें इसके अतीत के बारे में जानना होगा, क्योंकि शिप के डूबने की कड़ी जुड़ी है इसके पास्ट से। एसएस मरीन इलेक्ट्रिक शिप की लंबाई थी करीब 184 मीटर, जबकि इसका खुद का वजन है 13,757 टन। शिप के साथ हादसे होने से पहले यह करीब 29 ईयर ओल्ड था, जिसका निर्माण वर्ल्ड वार टू के दौरान हुआ था, जिसे अमेरिका के सिटी चेस्टर में सन शिप बिल्डिंग एंड ड्राई डॉक कंपनी द्वारा बनाया गया, जो मई सन 1984 को बनकर रेडी हुआ, जिसे लॉन्च किया गया 2 मई को। अगले 21 दिन बाद 23 मई सन 1983 को सेवा के लिए डिलीवर कर दिया गया। अगले 3 सालों तक सन शिपिंग बिल्डिंग इसे ओन की। 3 साल बाद ही मई सन 1947 में गल्फ आयर कॉर्पोरेशन को बेच दिया गया, जिसने इसका नाम बदलकर गल्फ मिल्स रखा। इस कंपनी ने इसे करीब 14 सालों तक यूज में लिया, जिसे मई सन 1961 में एमटीएल मरीन ट्रांसपोर्ट लाइन ने खरीद लिया, जिसका आगे चलकर नाम रखा गया मरीन इलेक्ट्रिक, जो अब तक ये शिप करीब 27 साल पुराना हो चुका था। अगले 27 सालों तक मरीन ट्रांसपोर्ट लाइंस के लिए काम करते हुए समय आ चुका है 10 फरवरी सन 1983 का, जो इस टाइम मौजूद है नॉरफोक के बंदरगाह पर, जहां पर लोड किया जा रहा है कोयला। सुबह के 8 बजे के आसपास कोयला शिप में लोड हो गया। इस बल्क कैरियर में 34 क्रू मेंबर थे, जिसमें कैप्टन को वर्षों का एक्सपीरियंस था। फाइनली शिप 8:15 बजे रवाना हुई। अगले 6 घंटों के सफर के बाद शिप पहुंच चुकी थी चेस्पीक बे के मुहाने पर। अगले दिन यानी 11 फरवरी को चेस्पीक बे को पार करके अटलांटिक ओशियन में जाने ही वाली थी कि कैप्टन को थियोडोरा शिप की तरफ से सिग्नल मिला, जिसमें कुछ मछुआरे थे जो समंदर में जाते थे मछली पकड़ने, पर उनके बोट में कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने यूनाइटेड कोस्ट गार्ड से मदद मांगी, पर कोस्ट गार्ड को वहां पहुंचने में काफी लंबा समय लगने वाला था, इसलिए कोस्ट गार्ड ने पास में मौजूद शिप यानी एसएस मरीन इलेक्ट्रिक से संपर्क किया। कैप्टन ने थियोडोरा की मदद करने को तैयार हो गए। फिलहाल वे बे को पार करके समंदर में पहुंचने वाले थे, लेकिन मछुआरों के पास दूसरा कोई शिप न होने की वजह से उनकी मदद करने के लिए वापस लौटना पड़ा। कुछ ही समय में मछुआरों तक पहुंच गए, उनकी मदद की। दोपहर होते होते वापस शिप अपने रास्ते पर निकल गई। साथ ही साथ थियोडोरा भी बंदरगाह की तरफ चली गई। जिस तरह थियोडोरा वर्जीनिया की तरफ गई थी, इसी तरह मरीन इलेक्ट्रिक शिप अपने रूट यानी उत्तर की तरफ टर्न लिया। फिलहाल 11 बजे के शाम तक शिप चेस्पीक बे को पार करके पहुंचा अटलांटिक ओशियन में। 11 फरवरी का सफर भी ठीक ठाक चला। रात खत्म हुई, सुबह हुआ, यानी आज है दूसरा दिन, 12 फरवरी सन 1983। 12 फरवरी के दिन शिप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। दिन के वक्त तो शिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर शाम होते होते क्रू मेंबर को देखने को मिला सामने शायद से मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि समुंदर की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची हो चुकी थी, जो शिप की स्पीड में बाधा बन रही हैं। लेकिन कैप्टन इन सब सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वह पहले भी इस तरह की सिचुएशन का पहले भी सामना कर चुके हैं। फिलहाल दोपहर पार होने को आया। 1 बजे के करीब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। शिप रूटीन के हिसाब से मंजिल की तरफ बढ़ रहा था।
दोपहर के 1:15 के करीब क्रू मेंबर को देखने को मिला शिप का सामने वाला हिस्सा यानी बो पानी में नॉर्मल से ज्यादा डूब रहा है। स्टार्टिंग में इन्होंने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन हर बार जब शिप नॉर्मल से ज्यादा डूब रही थी तो इन्होंने इसकी खबर कोस्ट गार्ड को दी। शुरुआत में कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जब बो वाला हिस्सा नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही डूबने लगा तो 2:51 पर तो कोस्ट गार्ड को कई बार मेडे मेडे का कॉल किया गया, लेकिन जब तक कोस्ट गार्ड वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक उन्हें ही सिचुएशन को संभालना होगा। पर समंदर की तेज लहरें शिप के बो की तरफ का झुकाव नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा था। शिप बार बार आगे की तरफ झुक रहा था, जब भी लहरें ऊपर होती थी तो शिप आ जाता था ऊपर। इस टाइम कुछ क्रू मेंबर शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ कंटिन्यू कोस्ट गार्ड को मेडे मेडे का कॉल कर रहे हैं। मेडे मेडे का कॉल तभी किया जाता है जब प्लेन या फिर शिप में आई हो इमरजेंसी, पर उस टाइम खराब मौसम था, बारिश भी हो रही थी। कोस्ट गार्ड की तरफ से बताया गया खराब मौसम की वजह से उन्हें वहां पहुंचने में काफी लंबा समय लगेगा। इस टाइम शिप अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया से करीब 40 किलोमीटर दूर था, मगर शाम होते होते कोस्ट गार्ड का एक मिनी शिप उन तक पहुंच गया, जहां उन्हें देखने को मिला शिप का सामने वाला हिस्सा लहरों की वजह से पूरा पानी में डूब जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लहरें कितनी भी ऊंची हों, ऐसे में शिप के डूबने की संभावना होती है बिल्कुल नाम मात्र के। शिप के साथ साथ कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से भी शिप की तरफ जाने के लिए निकल चुके थे। बल्क कैरियर शिप के करीब पहुंचने के बावजूद कोस्ट गार्ड उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शिप पर जाना दूर की बात थी, उसके नजदीक भी जाया नहीं जा सकता था। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें तथा जहाज जिस तरह से डूबकर बाहर आ रहा था, ऐसे में यदि वे अपने शिप को करीब ले गए तो ऐसे में दोनों शिप टकरा जाएंगे आपस में। मरीन इलेक्ट्रिक शिप को MTL द्वारा खरीदने के बाद रीडिजाइन किया गया था। सामने वाले हिस्से की ऊंचाई 5-7 मीटर ज्यादा की गई थी, ताकि अगर शिप ओवरलोड भी हो तो अभी समुन्दर की ऊंची लहरों का पानी शिप में नहीं आ सकता। पर यहाँ शिप पर पानी की प्रॉब्लम तो है ही, पर यहाँ प्रॉब्लम दूसरी भी थी। शिप समंदर में डूब रहा था नॉर्मल से ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा था कैप्टन सच जानने की कोशिश किए, पर उस टाइम इतने बड़े शिप की जांच करना वह भी इतने भयानक तूफान के बीच नामुमकिन था। शिप की सिचुएशन जब और भी खराब होने लगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए इंजन बंद कर दिया गया, ताकि शिप ना आगे जाए ना पीछे। इस तरह समुद्री लहरों का इम्पैक्ट कम पड़ेगा शिप पर। इस तरह इंजन के बंद करने के बाद सभी को एक ही चीज का इंतजार है कि तूफान कब खत्म होगा, क्योंकि जब तक तूफान खत्म नहीं हो जाता ये आगे बढ़ने वाले नहीं थे। उस दिन जहाज एक भयंकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले तूफान के बीच से गुजर रहा था, जहां पर हवाओं की स्पीड थी 89 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। इस टाइम कोस्ट गार्ड का शिप उनके काफी नजदीक था, इसलिए हर पल की इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी। कोस्ट गार्ड की तरफ से ये भी सवाल किया गया आखिर शिप इतना ज्यादा क्यों डूब रहा है, पर इसका जवाब कैप्टन के पास भी नहीं था। शिप का इंजन जब बंद हुआ था तो उस टाइम कुछ क्रू मेंबर सोने चले गए थे, क्योंकि तूफान की वजह से ये पिछली रात सही से नींद भी पूरी नहीं किए थे। लेकिन सोने के मात्र आधा घंटे बाद ही उन्हें जगा दिया गया। समंदरी तूफान और बढ़ चुका है, सभी बाहर चले आए। वैसे भी समंदर के बीच सोना और भी मुश्किल था। सोते वक्त क्रू मेंबर कभी राइट की तरफ लुढ़क जा रहे थे तो कभी बाएं साइड। जैसा कि शिप की लंबाई थी करीब 184 मीटर, इसलिए इंजन रूम में बैठकर पूरे शिप पर नजर रखना नामुमकिन था। लेकिन जब सभी कोस्ट गार्ड जो सोने गए थे वे भी बाहर आ गए तो सभी लोग गए अलग अलग डायरेक्शन में, जहां कुछ क्रू मेंबर ने देखा कि वो वाला हिस्सा पानी में डूब चुका है। इस टाइम शिप वर्जीनिया से 30 मील 48-50 किलोमीटर दूर था, लेकिन शिप का वो वाला हिस्सा जैसे पानी में डूबा सभी क्रू मेंबर मान लिए अब शिप को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तक शिप नीचे डूबने के बाद लहरों की वजह से बाहर आ जा रहा था। धीरे धीरे शिप आगे की तरफ टिल्ट होने लगा। इस टाइम अटलांटिक ओशियन में पानी का टेम्परेचर था लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। पानी इतना ठंडा था यदि ऐसे में कोई नीचे भी उतरा तो हाइपोथर्मिया से वे वैसे ही मर जाएंगे कुछ ही पलों में। जैसा कि मैंने बताया यह फरवरी का महीना है, इसलिए ठंड रहने वाली थी कड़ाके की। लेकिन जब शिप धीरे धीरे समंदर में डूबने लगा तो सभी तुरंत लाइफ जैकेट पहन लिए, क्योंकि उन सबको कभी भी पानी में कूदना पड़ सकता है अपनी जान बचाने के लिए। फिलहाल अभी भी कोस्ट गार्ड का शिप उनसे कुछ ही मीटर दूरी पर है, पर SS मरीन इलेक्ट्रिक शिप पर कोई भी कोस्ट गार्ड नहीं पहुंच सका उनकी मदद के लिए। जहां सभी क्रू मेंबर लाइफ जैकेट पहनकर लाइफ बोट नीचे उतारने की तैयारी कर रहे थे, वहीं इसके विपरीत कैप्टन शिप को बाहर लाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, पर उनका यह प्रयास किसी काम नहीं आया, क्योंकि शिप पूरी तरह से अंडर वाटर हो चुकी है। साथ ही साथ राइट की तरफ टिल्ड होने लगा। शिप जब 4 डिग्री दाहिने साइड झुका तो वापस से कोस्ट गार्ड से संपर्क किया गया, उन्हें दी गई सिचुएशन की सारी जानकारी। अब तक जो शिप बार बार पानी में डूब रहा था अब वह झुक चुका है राइट साइड में। उन्हें जरूरत है रेस्क्यू टीम की, वरना उनकी जान भी जा सकती है। समय पर मदद नहीं मिली तो लोगों की जानें बचानी मुश्किल हो जाएगी। कोस्ट गार्ड की तरफ से जवाब मिला वे मरीन शिप से कई मील दूर हैं,
वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे की बात बाकी क्रू मेंबर ने जैसे ही सुनी आग बबूला हो उठे। उनका कहना था अभी आप लोग तो पास ही थे, फिर दूर कैसे हो गए। उस गार्ड की तरफ से जवाब आया हमें लगा सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है इसलिए हम पीछे ही रह गए। पर कोस्ट गार्ड के पास अभी भी काफी वक्त है शिप तक पहुंचने के लिए। कोस्ट गार्ड तुरंत शिप की तरफ निकल पड़ी। आगे शिप धीरे धीरे राइट की तरफ टिल्ड होने लगा, यानी ये कुछ ही समय के मेहमान है इस शिप पर। जल्द से जल्द वहाँ कोस्ट गार्ड की जरूरत थी, वरना कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। अगर क्रू मेंबर जान बचाने के लिए ठंडे पानी में कूदे भी तो जान बचाने के लिए ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ ही मिनट के अंदर मारे जाएंगे हाइपोथर्मिया की वजह से। शिप जब सामने की तरफ 30 डिग्री झुक गया तो क्रू मेंबर लाइफ जैकेट के साथ पीछे की तरफ भागने लगे, साथ ही साथ लाइफ बोट भी नीचे उतारा जा रहा था। पर अब तक समंदर की ऊंची ऊंची लहरें तथा तेज हवाएं सिचुएशन और भी खराब कर दी, लाइफ बोट को नीचे उतारना मुश्किल हो गया। राइट के साइड जो भी बोट हैं सबसे पहले उन्हें ही उतारा गया, क्योंकि राइट साइड की ऊंचाई लेफ्ट साइड की अपेक्षा कम थी। अगले कुछ ही पलों में शिप 45 डिग्री टिल्ड हो गया। ऐसे में शिप को नीचे उतारने का भी समय नहीं मिला। जान बचाने के लिए क्रू मेंबर एक एक करके पानी में छलांग लगाने लगे। फिलहाल शिप के पूरी तरह से डूबने से पहले सभी क्रू मेंबर पानी में कूद गए, पर आखिर में इन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। पानी में कूदने के बाद तापमान माइनस में महसूस हुआ। लाइफ जैकेट पहने होने के बावजूद पानी में रहना मुश्किल हो रहा था। सभी लोग थे हाइपोथर्मिया में, इन्हें बस इंतजार है कोस्ट गार्ड के आने का। पर कोस्ट गार्ड का शिप नजर नहीं आ रहा था दूर दूर तक। समय के साथ एक एक क्रू मेंबर हाइपोथर्मिया से मरने लगे। उनमें से कुछ लोग लाइटर वगैरह लिए थे ताकि कोस्ट गार्ड के आने पर वे अपना लोकेशन बता सकें। फिलहाल कोस्ट गार्ड के इंतजार में 10 से 20 मिनट, 20 मिनट से आधे घंटे से 1 घंटे का समय बीत गया और कोस्ट गार्ड अभी भी नहीं पहुंची। पर आधे घंटे के अंदर ही करीब 26 कोस्ट गार्ड मारे गए थे ठंड की वजह से। आधे घंटे बाद जीवित बचे थे सिर्फ 7 लोग जो अभी भी बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। इन 7 में से 4 लोग अगले आधे घंटे में मारे गए, बचे थे सिर्फ 3। ये वही 3 लोग थे जो इस शिप डिजास्टर में जीवित बच पाए थे। अगले 1.5 घंटे यानी 90 मिनट बाद कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर पहुंचा वहां, जहां जीवित बचे 3 लोग फ्लैश लाइट से उन्हें अपना लोकेशन बताया। हेलीकॉप्टर से उन्हें ऊपर लेने के लिए मदद भेजी गई, पर तीनों चाकर भी ऊपर से भेजी गई मदद लेने में असमर्थ रहे। जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने देखा कि ठंड की वजह से वे जल्द ही मारे जाएंगे तो उन्हें बचाने के लिए एक कोस्ट गार्ड नीचे कूद पड़ा। कोस्ट गार्ड जब नीचे उतरा तो उसे देखने को मिला इन तीनों के अलावा चौथा कोई भी जीवित नहीं है, और इन तीनों की भी कंडीशन हर पल खराब होती जा रही थी, इसलिए देरी न करते हुए उन्हें ऊपर भेजा गया। इस तरह 34 लोगों में सिर्फ 3 लोग जीवित बच पाए, जो था अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ा शिप डिजास्टर जिसने ली 31 लोगों की जाने। पर यह हादसा हुआ कैसे, सच का सामने आना बहुत जरूरी था। अगले दिन से शिप को ढूंढने की जांच शुरू हुई, जो समंदर तल से करीब 130 फीट नीचे समंदर में डूबा हुआ मिला। अगले कई महीनों तक शिप के डूबने का रीजन पता किया गया, जहां पर इस शिप के ओनर MTL मरीन ट्रांसपोर्ट लाइन की एक रिप्रेजेंटेटिव ने सिद्धांत दिया। बल कैरियर शिप सिर्फ थियोडोरा की मदद के लिए जब वापस लौटा था तो वहीं पर मरीन शिप के हल को नुकसान पहुंचा, जिसके 5 घंटे बाद शिप डूब गया। पर इस रीजन को सुनकर छोटा बच्चा भी मानने को तैयार नहीं होगा कि एक शिप की मदद करने के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा हुआ भी तो इसका एग्जैक्ट रीजन है क्या, ये तो पता होना चाहिए। पर इसका जवाब मरीन ट्रांसपोर्ट लाइन के पास नहीं था, क्योंकि वे झूठ बोल रहे थे। हालांकि कोस्ट गार्ड के इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया उनकी यह थ्योरी साफ साफ गलत है। आगे कैप्टन डोमिनिक कुलिकिया के नेतृत्व में जांच चला। ये कैप्टन वही थे जो उन 3 जीवित बच्चे में से एक थे, जहां पर पता चला शिप के डेज प्लेटिंग तथा हिज कवर में जगह जगह सुराख थे वो अभी पहले से। दूसरे जीवित बचे चीफ मेट बॉक क्यूजिक ने कहा कि इसे रिपेयर करने के लिए MTL को कहा गया था, मगर उसके सुधार के लिए MTL ने कोई प्रयास नहीं किया। इसका एक सबूत और भी मिला, क्योंकि इस हादसे के 1 साल पहले सन 1982 में हेज कवर मैन्युफैक्चरर ने MTL को पहले से चेतावनी दी थी कि शिप की कंडीशन इस समय समुंदर में यात्रा करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके बावजूद यदि इसे समुंदर में ले जाया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसकी जांच करानी जरूरी थी। पर फिर भी निरीक्षकों ने उसका परीक्षण नहीं किया। आगे बार बार शिप को समुंदर में चलाने के लिए सर्टिफाइड किया जा रहा था। इसमें जितने भी लोग शामिल थे जो सिर्फ समुंदर में चलने लायक नहीं थे, इसके बावजूद उसका गलत डॉक्यूमेंट बनाकर उसे समुंदर में चलने लायक सर्टिफाइड कर रहे थे, सबकी क्लास ली गई। पर इसके बाद से करीब 90 शिप जो तब से करीब 40 साल पुराने थे, जो बनाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन सब को यूज में लेना बंद कर दिया गया। आगे उन शिप को गलत तरीके से सर्टिफाइड करके यूज में न ले, इसके लिए सभी शिप को स्क्रैप यार्ड में भेज दिया गया। पर इस तरह के हादसे शिप के साथ ही नहीं होते,
बल्कि हो जाते हैं पटरी पर दौड़ने वाले ट्रेन के साथ भी, क्योंकि इस हादसे के करीब 3 साल बाद ही फरवरी के ही मंथ सन 1986 में एक ट्रेन गलती से सामने आने वाली ट्रेन से भिड़ गई, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।